दोस्तों, कमाल के फंडाडू चैनल में आपका फिर से स्वागत है। कमाल की बातें, कमाल की चीज़ें, कमाल की जगह, कमाल के व्यक्तियों से रूबरू कराते रहते हैं। तो आज का ब्लॉग कुछ खास होने जा रहा है। मैं बता दूं, अभी फिलहाल उपस्थित हूँ झरीवा शिव मंदिर के प्रांगण में, और यहाँ पे अभी फिलहाल ये CCTV कैमरा लगाया जा रहा है मंदिर के अंदर और बाहर। चार कैमरा बाहर और चार कैमरा अंदर जो कि लगाया जा रहा है। और अभी फ़िलहाल जैसा कि आपको हम क्लिप के माध्यम से ले चलते हैं अंदर, और अंदर में जो भी कैमरा का जो सेटअप मैंने कॉर्नर पर लगाया जा रहा है। तो आइए, आपको ब्लॉग के माध्यम से सबसे पहले आपको दर्शन कराएंगे भोलेनाथ बाबा का। ये मुख्य गेट हुआ और यहाँ पे शिवलिंग विराजमान है। आपको गेट खोल के दिखाऊँगा। दिखा रहे हैं जो एक कैमरा यहाँ पे है, और ये छोटी सी आप सबों को मैं वीडियो के माध्यम से रूबरू कराऊंगा। तो ये देख सकते हैं, ये लगा हुआ है। ऐसे मंदिर के अंदर ये चार कैमरा फिक्स हो रहा है, और बाहर चार कैमरा लगेंगे जो कि चारों तरफ CCTV कैमरे के निगरानी में। और आइए चलते हैं, और हमारे यहाँ पे मुख्य संरक्षक मुकेश कुमार गुप्ता जी जो कि विराजमान हैं, और इनके तत्वाधान में ये कैमरे का कार्य चल रहा है, जो कि यहाँ देखिए सभी बैठे हुए हैं सदस्यगण। और उधर ये देख पा रहे होंगे शिवरात्रि जो कि 8 मार्च का है, और 8 मार्च का यहाँ भव्य तरीके से कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जैसे कि क्या बोलते हैं, झांकी प्रदर्शन होगा। दूसरी बात, दिन में कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जो कि चलिए जानते हैं हम मुकेश कुमार जी के माध्यम से। तो और देख पा रहे हैं रिया टेंट हाउस का मालिक, जो कि वो देख रहे हैं जो कहाँ पे लगाया जाए स्टेज वगैरह। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम आए हैं जितेंद्र भैया के दुकान में कुछ पानी का बोतल और दोनों परचेज करने, और सामने से समोसा खरीदेंगे और जाएंगे शिव मंदिर के प्रांगण में। वहाँ पे कुछ रिया टेंट हाउस के कुछ वर्कर और मालिक आए हुए हैं CCTV कैमरा जो फिट करें उन लोग के लिए, नाश्ते के लिए। तो आप कंटिन्यू ब्लॉग पर जमे रहे। समोसा, पानी का बोतल, तो तैयारी चल रहा है। ये क्या बोलते हैं, सामने हल्का टी मरवा दीजिएगा, सामने हल्का टी निकलवा दीजिएगा। हाँ, चौड़ा ज्यादा लंबा ना, 8 फीट आपका स्टेज बनेगा तो चौड़ा कितना मिलेगा, 12 8 फीट निकलेगा। लीजिए, सबसे मिलेगा, सबसे मिलेगा।